तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 18 अटैक्स वर्सेस ट्राइब गेमिंग की मैच जो हुई थी क्लैश चैंप्स कप में। आज के वीडियो में हम लोग सारे 3 स्टार अटैक्स देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलना। तो गाइस फर्स्ट अटैक कर रहे हैं ट्राइब गेम की तरफ से नॉलेज और ये यूज़ कर रहे हैं ड्रैगन्स का। इन्होंने सबसे पहले आरसी की एबिलिटी पॉपअप कर दी है स्टार्टिंग में ही सबसे, और देखते हैं आरसी से नया डिफेंस भी रहा। उन्होंने लाइटनिंग स्पेल से 2 एयर स्वीपर्स भी ले लिया और साथ ही स्कैटर शॉट भी उन्हें मिल गया लाइटनिंग और अर्थक्वेक की मदद से। और इन्होंने अब ड्रैगन्स डिप्लॉय करना स्टार्ट किया। ड्रैगन्स दो ड्रैगन से फनल कर रहे हैं स्टार्टिंग में काउंटर के लिए, और इन्होंने अभी सारे के सारे अपने ड्रैगन्स डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिए। सारे ड्रैगन्स उन्होंने डिप्लॉय कर दिए, ग्रैंड वार्डन उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। अपोजिट साइड से उन्होंने बेबी ड्रैगन से एक पनल ले लिया। तब सारे ड्रैगन्स के डायरेक्ट टाउनर के इधर, और अभी टाउनर के इधर अपने वार्डन एबिलिटी को पॉप कर देंगे। वार्डन एबिलिटी में पॉपअप कर दिया, स्टोन स्लैब भी ड्रॉप कर दिया स्कैटर शॉट के जैसा कि स्कैटर शॉट ले लिया स्टोन स्लैब है। और एयर अटैक में स्टोन स्लैब बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। अभी सर स्टोन स्लैब में था बलून और ड्रैगन से इन्होंने 10:30 पे अपने हीरोज भी डिप्लॉय कर दो। वहाँ पे स्केलेटन स्पेल भी डिप्लॉय किया, इन्फर्नो टावर लगे, इन्फर्नो टावर डिस्ट्रैक्ट करेगा सिंगल टावर इन्फर्नो टावर, और फिर इन्फर्नो टावर मिल चुका है। थर्ड अटैक 3 स्टार हो जाएगा क्योंकि एक ही मल्टी टावर का इन्फर्नो बचा मल्टी टावर, क्योंकि इन्फर्नो टावर उतना कुछ नहीं कर पाएगा इनके ड्रैगन से। ड्रैगन की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, लगभग सारे ड्रैगन उनके जिंदा भी अभी, और क्वीन की एबिलिटी भी अभी तक इनके पास बची है, और एक आई डिफेंस बचा बस डिफेंस डैमेज कर जिसको क्वीन ले लेगी मेरे ख्याल से अब। और इन्होंने क्वीन की एबिलिटी भी पॉपअप कर दिया। तो ये हो चुका है 3 स्टार अटैक नॉलेज की तरफ से, जो कि पहला अटैक था आज के मैच का। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट अटैक की तरफ। तो नेक्स्ट अटैक कर रहे हैं एस ऑल्टरनेट अटैक्स की तरफ से, और ये यूज़ कर रहे हैं पेका वीवी अटैक स्ट्रेटजी। इन्होंने स्टार्टिंग में वार्डन वॉक स्टार्ट कर दिया है। वार्डन वॉक्स मेरे ख्याल से इन्हें ईगल आर्टिलरी लेना है, इसलिए उन्होंने रेज भी ड्रॉप कर दिया स्टार्टिंग में ताकि वार्डन वॉक में ज़्यादा टाइम ना लगे। आप लोगों को पता है वार्डन वॉक में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा टाइम मिल चुका है वार्डन इनका एलिजर कलेक्टर पे गया, वार्डन इसके बाद एयर डिफेंस पे आया, एयर डिफेंस वार्डन आ चुके हैं ईगल आर्टिलरी के इधर। वार्डन ईगल आर्टिलरी ले लेगा अभी, और देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो इन्हें ईगल आर्टिलरी मिल जाएगी, अब ईगल आर्टिलरी मिल चुकी है। इन्होंने अभी अपने सारे आर्मी डिप्लॉय कर देना चाहिए क्योंकि इनका 2 मिनट का टाइम रखे। इन्होंने किंग और सीज वाइज डिप्लॉय कर दिया है 9 o'clock को। सारे पैकाज डिप्लॉय कर दिए, क्वीन डिप्लॉय कर दिया इन्होंने, सारे हीलर्स एंड कोकुलर सभी सभी आर्मी इन्होंने डिप्लॉय कर दिए यहाँ पे। और ये किंग से टाउनर लेना था, इन्होंने किंग को इसलिए फाइनल कर दिया टाउन कंपार्टमेंट में, और वार्डन की एबिलिटी भी दे दी है। और यानी किंग की एबिलिटी के साथ टाउनर मिल जाएगा। इन्होंने जंप स्पेल भी ड्रॉप कर दिया, ओपोनेंट के पीछे से निकल चुका सुपर मिनियन। वहाँ पे एक और रेज कर दिया उन्होंने पैकास के लिए, पैका ने मल्टी इन्फर्नो टावर ले लिया है, और अभी एक और रेज कर दिया सिंगल टावर के इन्फर्नो टावर के इधर, और पैकास सारे के सारे सिंगल टावर इन्फर्नो के इधर जा रहे हैं। इन्होंने आरसी डिप्लॉय कर दिए 2 o'clock पे, और साथ ही आरसी का 2 हेड हंटर जिसके आरसी पे इन्होंने इनविजिबिलिटी स्पेल यूज की, और इन्हें स्कैटर शॉट मिल जाएगा। और इनके पास अभी भी क्वीन की एबिलिटी बची है, और मेरे ख्याल से अटैक 3 स्टार अटैक भी 3 स्टार हो चुका है। एक स्कैटर शॉट बचा है, उनके पास बहुत सारे सुपर विजार्ड्स और पैका भी बचा है, उनके सीसी लगता है वैल्करी निकली है, वो सारी वैल्करीज बची है। और यह अटैक हो जाए 3 स्टार एस्ट की तरफ से ऑल्टरनेट अटैक्स के लिए। फर्स्ट 3 स्टार अटैक आ चुके हैं, और इन्होंने यूज़ किया था पैका वीवी अटैक स्ट्रेटजी, और कैनन लास्ट कैनन डाउन हो चुका, और विजार्ड ने ले लिया लास्ट एग्जस्ट हो रहा है। अब चले हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ, और नेक्स्ट अटैक कर रहे हैं क्रोनोस ट्राइब गेमिंग की तरफ से, और यूज़ कर रहे हैं इन्फर्नो वीवी अटैक स्ट्रेटजी। लोगों को पता है अटैक स्ट्रेटजी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और अटैक स्ट्रेटजी लगभग सारे में से 3 शॉट होते हैं। उन्होंने कुछ लून्स ड्रॉप किया, लून से इन्हें विजर टावर मिल जाएगा, अच्छा टावर भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इन्हें इन्फर्नो टावर लेना था, बट बलून से अच्छा टावर के इधर गया, बलून से इन्हें इन्फर्नो टावर इसलिए नहीं मिल पाया। देखते हैं अभी हीरोज अपने काम पर डिप्लॉय करते हैं। इन्होंने क्वीन को डिप्लॉय कर दिया 3 o'clock पे, और इन्होंने सारे के सारे बलून एंड इन्फर्नो बेबी और वार्डन सब डिप्लॉय कर दिया, और इन्होंने स्केल्टन स्पेल भी डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। वार्डन की एबिलिटी इन्होंने दे दी, और किंग को भी डिप्लॉय कर दिया साथ ही साथ। इन्होंने सारे के सारे स्केल्टन स्पेल इन्होंने डिप्लॉय, इन्फर्नो बेबी बहुत अच्छा काम कर दिया, और इनका किंग अभी जाएगा ईगल आर्टिलरी के कंपार्टमेंट में। बैटल ग्लिम भी डिप्लॉय कर दिए, बैटल ग्लिम से टाउनर प्ले लेंगे सेफली,
बूस्टर हो जाएगा इनका डाउनफॉल ले लेंगे। बाकी दूसरे बैटल गेम के अंदर बलूस एंड ड्रैगन्स है, उन्होंने डाउनफॉल ले लिया इजी। और इनका स्क्रीन अभी भी जिन तक इनका एबिलिटी है उन्होंने आरसीबी डिप्लॉय कर दिया है, आरसीबी का टावर ले ली और आरसीबी एबिलिटी से इन्हें इन्फर्नो टावर पर बहुत डैमेज होगा, इन्फर्नो टावर भी नहीं मिल जाएगा। और ये अटैक जो है चुका है 3 स्टार क्रोनोस की तरफ से और इनका बहुत ज़्यादा टाइम है अभी बता तो 3 स्टार हो जाएगा क्लीन अप की, तो को दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सो ट्रैप गेमिंग ने कर दिया एक और अटैक 3 स्टार, अब देखते हैं नेक्स्ट अटैक कौन करते हैं। तो ये देखते हैं अभी हम तो फटाफट क्लीन अप देख लेते, क्लीन अप हो रहा है, एलिगेटर स्टोरेज गया। तो ये हो चुका है 3 स्टार अटैक, अभी हम लोग नेक्स्ट अटैक देखेंगे वाले की तरफ से जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप MVP थे 2020 में पटेन अटैक्स की तरफ से, उन्होंने लाइटनिंग और अर्थ की डिप्लॉय कर किया था स्कैटर शॉट पे, पता नहीं क्यों वहाँ पर शायद आरसी की एबिलिटी से स्कैटर शॉट लेना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो चारों डिफेंसेस है तो आरसी की शील्ड स्कैटर शॉट पर जाएगी, एटलास्ट आरसी की एबिलिटी पॉप अप कर दी और आरसी की शील्ड स्कैटर शॉट लेने मिल चुका है। उन्होंने किंग को भी गलाटेड वाले कंपार्टमेंट में डिप्लॉय कर दिया है जिनकी एबिलिटी उन्होंने पॉपअप कर चाहते हैं, उन्होंने आइस गोलम और अच्छे किंग को भी डिप्लॉय कर दिया और ये टावर लेना चाहते हैं मेरे ख्याल से, और इन्हें वर्ल्ड रेकर्ड डिप्लॉय किया क्वीन के साथ वर्ल्ड रेकर्ड वर्ल्ड फोड़ के अब जाएगा टावर के अगर, और देखते हैं कि सी सी में इन्होंने क्या रखा है। तो सी सी का फोटो है ना, सी सी के अंदर स्निकी गॉबी यटी एंड स्निकी गॉबी सकते थे शायद से, टावर मिल चुका है सेफली और इनको अच्छा सी वैल्यू मिल चुका है, मेरे ख्याल अपना लावा लिंग स्टार्ट कर देंगे अभी। और अपना सी सी में निकल चुका लावा और हेड एंटर्स, हेड एंटर्स करेक्टर हमारे यहाँ पॉइजन में, इन्हें अब लावा हॉन्ड भी मिल जाएगा क्वीन का, क्वीन के क्वीन का सभी भी एबिलिटी भी अच्छी है और इन्हें डबल पॉइजन था जिनके पास, तो लावा बहुत ईजिली मर जाएंगे अभी सारे के सारे। इन्होंने लावा लून स्टार्ट कर दिए, बलून्स सारे के सारे बलून्स और वार्डन डिप्लॉय कर दिए उन्होंने, और इन्होंने सेकंड लावा हॉन्ड भी डिप्लॉय कर दिया अपना, अब यहाँ पे हेस्ट कर दिया इन्होंने स्कैटर शॉट के लिए, स्कैटर शॉट को साथ ही साथ क्वीन के यहाँ पे अभी इन्होंने हेड एंटर डिप्लॉय करके वार्डन एबिलिटी देती ताकि ओपोनेंट की क्वीन इन्हें मिल जाए और साथ से आरसी भी इन्हें मिल गई ओपोनेंट की वार्डन एबिलिटी में हेड एंटर्स की वजह से। और एक मल्टी टारगेट फंडा चल उनके पास एक हेस्ट और 2 फ्रीज बचे, इन्होंने हेस्ट कर दिया है और फ्रीज भी कर दिया मल्टी टारगेट फंडों को और सारे सारे बलून सब जा रहे मल्टी टारगेट फंडो टावर के अंदर, और ये अटैक भी 3 स्टार कर दिया वाले ने लावा लून के साथ। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अटैक जो कि इस वीडियो का लास्ट अटैक होने वाला है जो कि किया था और ट्रैक की तरफ से हुआ था जिसको क्या था नेब्रैक्स ने, और ये यूज़ कर रहे थे ब्लिज़र्ड लावा लून। आप लोग देखते चले देखते हम लोग ब्लिज़र्ड इन्होंने कहाँ पे किया है, तो इन्होंने अभी तक बैटल ब्लेम अपना डिप्लॉय नहीं किया, उन्होंने लावा और बैटल ब्लेम डिप्लॉय कर दिया, हमें कैसे स्कैटर शॉट और मल्टी इन्फर्नो के बीच में अपना बैटल ब्लेम डिप्लॉय कर देंगे और उन्होंने फोड़ दिया था इन्होंने सुपर विकार्ड जब बहुत ज़्यादा तबाही कर रहे हैं और इन्हें स्कैटर शॉट मिल चुका है, मल्टी टारगेट इन्फर्नो टावर भी मिल जाएगा, ओपोनेंट की क्वीन भी इन्हें मिल चुकी है, इन्हें अच्छी खासी वैल्यू मिल चुकी है, साथ 2 रेड बॉम भी ट्रिगर हो गए जो कि लावा लून क्वीन के उसके बाद लावा लून ने उसके बलून को रेड बॉम नहीं लेना पड़ेगा, रेड बॉम की भी फ्लैश डैमेज करके जो बलून जल्दी डैमेज करते, इन्होंने 8 ड्रॉप करके लावा लून को बुला लिया एक कॉर्नर में और इन्होंने अब अपने 8 क्वीन से ले लेंगे अभी लावा लून को, पॉइजन फट चुका है, लावा फट चुका है, लावा पॉप सारे सारे मर चुके हैं और अब देखते हैं अपने हीरोज से कहाँ सुई वैल्यू लेना चाहते हैं। इन्होंने आरसीबी डिप्लॉय कर दिया, अपने किंग को भी डिप्लॉय कर दिया, किंग इनका जा रहा है 2 o'clock के इधर और इनकी क्वीन आ रही है नीचे, क्वीन और आरसी देखते हैं इन्हें क्वीन से मेरे ख्याल से हराटे लेना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर इन्होंने सुपर वॉल ब्रेक भी किया, उनके आइस गोलम भी एक है अभी रखा हुआ देखता है, और इन्होंने आइस गोलम भी डिप्लॉय कर दिया, आज गोलम पे सिंगल टारगेट इन्फर्नो टावर लॉक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, ये क्वीन की एबिलिटी पॉपअप कर देंगे मेरे ख्याल से, क्वीन की एबिलिटी पॉपअप कर दी इन्हें ईगल आर्टिलरी और साथ साथ इन्फर्नो टावर भी मिल गया सिंगल टावर, अभी इन्होंने लावा लून स्टार्ट कर दिया अपना सारे बलून्स कुछ बलून्स और लावा डिप्लॉय कर दिया, सेकेंड लावा भी इन्होंने डिप्लॉय कर दिया, देखते टावर वार्डन एबिलिटी और किंग अपोजिट साइड पर बहुत अच्छा क्लीन अप कर रहे हैं और जो टावर को बार बार फ्रीज करे ताकि बलून्स पर ज़्यादा डैमेज ना आए, और मैं कल से अभी आप फ्रीज ने इन्हें वार्डन एबिलिटी दे दी मेरे को फ्रीज है और स्कैटर शॉट पे इन्होंने हेस्ट कर दिया और
गेट एक 3 स्टार हो गया मिसाइल की पीपीएम के पास। बहुत सारे बलून अभी भी बचे और कोई फ्लैश डैमेज पीछे ज़्यादा नहीं बचे, 2018 बचे जो कि इजिली टेक डाउन कर लेंगे। तो ये अटैक हो चुका 3 स्टार का, क्योंकि नेब डैक्स ने कहा अभी हम लोग देखते हैं कौन सी टीम जीती क्लैश चैंप कप के प्ले ऑफ में ट्राई बिग और ऑल्टरनेट अटैक्स के बीच में। आप तो देख लो ट्राइब गेमिंग देख चुके हैं 1 स्टार से और मैंने आप लोगों को खाली 3 स्टार अटैक दिखा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।